वाहे गुरु, 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 वाहे विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अज्ञान पुरंदरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरे मलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। शरणं गच्छामि सिद्धं शरणं गच्छामि अज्ञानकलमस्ताज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापदं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्ति नृदेशस्ति नूखा विश्ववेदा स्वस्ति न स्वादिष्टोष्टनेमी स्वस्ति नो मेहस्वतं कयोधीषु कयो दिवं कार्यक्षेपु देवता सूर्योदेवता चन्द्रमा देवता यशो देवता रुद्रादेवता आदित्यादेवता भरतो देवता विश्वदेवदेवता वेदस्वतदेवतेवता वरणो देवता ॐ शांति प्रकृति शांति आपा शांति शक्तया शांति वनस्पतया शांत विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति देवा शांति सावा शांति देवी सुशांत भवतु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्भूतानि परासुर यमकं तन्यासुर इमानुर्भाहि तवसे कपतिने शर्विहाहि कवरामेमति जहासंसादिपदे त्वत्पदे विश्वं पुष्णं ग्रामेन्द्रस्य ननातु ब्रह्मा एवं ते देव सविपुर्यकं पाहु बृहस्पति ब्रह्मणे तेन यकमवतेन जगपति तेनमावनो प्रतिष्ठितं भवति हरिः ॐ नमः।
चेतनपुत्र के सामने आगे भी सुजोजन पर पुर के बीच में दिव्य रत्न में और बिजली के ज्वाला तथा सूर्य की कांति वाला धर्मराज का बहुत सुंदर मंदिर है। वहां 200 जोड़ा लंबा और 50 योजन ऊंचा है। हजारों खंभे लगे हुए हैं। वह व्यक्तियों बनियों से भूषित है। सोने की अलग और सजा से अनेक प्रकार के महल बने हैं। शतकाल के मलेट के समान सोने के कर्षों से मनोहर चित्रचुप्त स्पष्ट बनियों से की सीढ़ी वाला हीरा की कुटिया में शोभिमान है। उसके झरोखे में मोतियों की झबरे लगी है। वह पताका और ध्वजों से शोभित है तथा घंटा और नगाड़ों से के नाद से युक्त है। उसे सोने की बंधन वालों से मंडित किया है। उसमें अशर्य में सोने के सैकड़ों कमाल लगे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष लता और कांटे नहीं पेड़ों से सुहावना है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से वह सदा भूषित रहता है। वह अपने योगों के प्रभाव से विषय कर्मों ने उसे बनाया है। उस पूर्व में 100 जोड़ जोड़ी काम रूपनी दिव्य सभा है। उसमें सब उस चमकीला सूर्य का प्रकाश है। वहां ना अधिक ठंड है और ना ही अधिक गर्म है। वहां मन को अंचित हर्षित करने वाली उसमें ना शोक ना भापा ना भूख प्यास और ना ही कुछ अप्रिय वस्तु है। उसमें देवता संबंधी तथा मनुष्य संबंधी सब काम मौजूद है। उसमें समुद्र रस युक्त बहुत से खान पान योग जोजन के पदार्थ है तथा रस वाले स्वादिष्ट गर्म और ठंडे जल है। उसमें कौन भी शरद आदि विषय है तथा नित्य काम देने वाली फल देने वाले वृक्ष है। एक गरुण वहां सवा बारह नहीं रमणी और कामना देने वाली है। बहुत समय तक तप करके विशुद्ध कर्मों ने उसे बनाया था। उसमें बड़े तप वाले अच्छे भक्त वाले सत्य बोलने वाले शांत स्वभाव के सियासी सिद्ध और शुभ कर्म से पवित्र हुए लोग भी जाते हैं। उस सभा में अपने किए हुए पुण्य कर्मों से तेज में से शरीर वाले अलंकार युक्त और निर्मल भक्त धर्म करने वाले और भूषणों से भूषित लोग रहते हैं। उस सभा में 10 जोड़ विस्तार सब रत्नों से सुशोभित अनुपम सुंदर आसन पर भगवान धर्मराज बैठे हैं। वे सज्जनों में श्रेष्ठ है। उसके मस्तक पर शतक सुशोभित है। वे श्रीमान कुंडलों के अद्भुत और बड़े मुकुट से सुशोभित है। सब प्रकार के अवतारों से युक्त नीले भेद के समान कांति वाले हैं। हाथ में सुंदर पंखा लिए हुए अप्सराओं के पवन कर रही है। गंधर्वों के समूह और अप्सरों के गण गीत भाला और नृत्य आदि से चारों ओर उनकी सेवा करते हैं। एक हाथ में पास लिए और ये बहुत भगवान काल और विचित्र चित्र तथा जमराज से सेवित है तथा पास फांसी का फंदा और धन लिए हुए भयंकर रूप आज्ञा में रहने वाले अपने दुल बल वाले अनेक योगों से बिखरे हैं। ये गरुण अग्नि वात पितर सोमा उष्मा स्वाभंत वृषभ मूर्त और अमूर्त जो पितर है तथा आर्य आदि पितरगण और मूर्तिमान जो अन्य पितर है वे सब मुनियों के साथ उस धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि विशेष पुनर दक्ष केतु अंगीर अग्निकर जन पशुवन भृगु अगस्त और नारद जी ये तथा अन्य बहुत से धर्मराज की सभा में सभासद हैं जिनके नाम और कर्मों की संख्या नहीं हो सकती। धर्म शास्त्रों की व्याख्या से अर्थात निर्णय करने वाले ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी सोमवंशी तथा अन्य जो धर्मात्मा राजा लोग हैं वो सभा में धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु दलीप मंदाबा सगर भगीरथ अमृत अमरीश अनंत मुस्कंद नामी पृथु जटायु पुर दुशान शवि नल भर शत्रु पांडु उशस अर्जुन जे विख्यात कांति वाले पुण्य कर्म राष्ट्रीय लोग बहुत सी अश्वमेध यज्ञों से पूजा करके धर्मराज की सभासद हुए। धर्मराज की सभा में धर्म ही वर्तमान रहता है। वह पक्षपात झूठ और मत नहीं है। उसकी सभा में सब सभासद शास्त्र के ज्ञाता है और धर्म प्रमाण है। वे सब सभा में निरंतर धर्मराज की उपासना करते हैं। एक गरुण महात्मा धर्मराज की वह सभा ऐसी है जिसको दक्षिण भारत से गए हुए पापी लोग नहीं देख सकते। धर्मराज के पूर्व में
जाने के लिए चार मार्ग होते हैं, पापियों के जाने के लिए जो मार्ग है वह मैंने तुमसे कह दिया है। पूर्णवादी तीन मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर को जाते हैं और स्मृति लोग पुण्य से उस सभा में जाते हैं उनको सुनो। वह सब बोधों से युक्त एक उन्नत का मार्ग है, उसमें पारिजात नामक वृक्ष है की छाया है, वह रत्नों से सुशोभित है, विमानों के समूह से भरा है, यहाँ तक हंसों की पंक्तियां भी विराजमान है, मूंगा के बागों से गिरा है और अमृत के रस तुले जल से युक्त है। उसकी पूर्व भाग में ब्रह्म ऋषि लोग, पुण्यवान निर्मल राष्ट्र लोग, अप्सराओं के समूह, गंधर्व, विद्याधर और बड़े वासुक आदि साथ जाते हैं, तथा और जो देवता आराधना करने वाले, शिव जी की भक्ति करने वाले, गर्मी में पोषाहार लेने वाले, मार्ग में लकड़ी दान देने वाले, तथा वर्षा ऋतु में जो व्यक्त लोगों को दान मान से आश्रय देने वाले और दूतों को मीठे वचन कहकर आश्रय देने वाले लोग हैं, जो लोग सत्य तथा धर्म में रत हैं और क्रोध तथा लोभ से रहित हैं, वे माता पिता के भक्त और गुरु की सेवा करने वाले हैं, भूमि घर गौ और विद्या का दान करने वाले, प्राण के बांटने वाले और सोने वाले तथा सखा आदि प्राण करने वाले, जिस स्थिति लोग अन्य लोग पूर्व दरबार में प्रवेश करने वाले सुशील है, वो अशुद्ध बुद्धि वाले हैं और ये सब धर्म राज की सभा में जाते हैं। दूसरा जो उत्तर का मार्ग है, वहाँ सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा, पालकों से युक्त, हरिचंदन देव वृक्षों से सुशोभित है, वहाँ हंस सारस और चक्रवाल से सुशोभित अमृत और निजात से भरा हुआ सुंदर सरोवर का सरोवर है। इस मार्ग में वेद पाठी, अतिथियों के पूजक, दुर्गा और सूर्य के भक्त तथा पूर्व समय में तीर्थों में नहाने वाले जाते हैं, तथा जो धर्म शुद्ध से मरे हैं और अनशन करके मरे हैं, तथा जो काशी जी गौशाला और तीर्थ जल से मरे मरे हैं, वो सब उत्तर मार्ग से जाते हैं, तथा ब्राह्मण के लिए, कार्य के लिए तथा तीर्थ क्षेत्रों में मरने वाले एवं देवताओं के देव बंधन आदि तोड़ने वालों के साथ लड़ाई में मरने वाले, योग व्यास से मरने वाले, ये सब पात्र के पूजने वाले, नित्य बड़े बड़े दान देने वाले, ये सब उत्तम स्वभाव से प्रवेश करके धर्मराज की सभा में जाते हैं। रत्नों के बने मंदिरों से सुशोभित तीसरा मार्ग पश्चिम मार्ग है, उसमें सदा अमृत रस से भरी भावियां शोभियां है, वहाँ इरावत के कुल में पैदा होने वाले मत हाथियों से भरा है तथा उत्पन्न घोड़े जैसे रत्नों से युक्त है। इस मार्ग में आत्म पारायण योगी हो, अच्छे शास्त्रों के चिंतन करने वाले, भगवान के अनन्य भक्त और गायत्री मंत्र का जाप करने वाले जाते हैं। प्राय हिंसा, प्राय भंग, प्राय वाद से जो रहित है, वो अपनी हिस्ट्री से रमन करने वाले, सज्जन अनुभव करने वाले और वेद का पाठ करने वाले, ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने वाले, वानप्रस्थ तपस्वी लोग तथा श्री पाद संगत सन्यासी लोग, इनके लिए कंकट पत्थर और सोना बराबर है, ज्ञान और विराग से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव और विष्णु के उपासक तथा कर्म को ब्रह्म में अर्पण करने वाले तथा तीनों ऋणों से मुक्त सदा पंच जग करने वाले, पितरों का श्राप करने वाले, समय में संध्या उपासन करने वाले और नीचों की संगति से रहित सत्संग करने वाले, ये सब अप्सराओं से युक्त उत्तम विमानों में बैठे हुए हैं। अमृत पीते हुए पश्चिम दरबार से धर्मराज के मंदिर में प्रवेश करके धर्म सभा में जाते हैं, जहाँ राज उन आए हुए लोगों को देखकर भाग भाग स्वागत करते हैं और खड़े होकर उनके सामने जाते हैं। उस समय वे चार भुजों में शंख चक्र गदा और तलवार को धारण कर पूर्ण आत्मों के साथ स्नेह से मित्र सा प्रताप करते हैं तथा बैठने को सिंहासन देते हैं और नमस्कार करते हैं, पाप और अंक देते हैं, चंदन आदि से उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि ये सब सबो इस ज्ञानी को आदर से नमस्कार करो, यह मेरे मंडल को छोड़कर ब्रह्म को चला जाएगा। हे बुद्धिमानों, श्रेष्ठ नर्क से जन्मने वाले, आप लोगों ने पुण्य करके सुखदायक देव का साधन किया है, जो दुर्गम मनुष्य का शरीर पाकर नित्य कर्म कर साधन नहीं करता वह घूम नर्क को जाता है, इससे बढ़कर कौन अचेत है। जो मनुष्य अस्थिर शरीर में अस्थिर धन आदि के द्वारा धर्म से संचित करता है वह बुद्धिमान मनुष्य है, इसलिए सर्व
सब जतन करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सब भोगों से युक्त पुण्य वाले स्थान को जाओ, ऐसे धर्मराज के वचन सुनकर धर्मराज की हो उस सभा को प्रणाम करके देव शास्त्र पूजित ऋषिवर की स्तुति किए गए वे विमानों में बैठकर परम पद को जाते हैं और कोई बड़े आदर से धर्म सभा में ही रह जाते हैं। वहां कल्प कल्प भव तक रहकर दिव्य भोगों को भोगकर शेष पुण्य से पवित्र दर्शन वाले मनुष्य ही को पाता है तथा बड़ा धनवान सब जानने वाला सब शास्त्रों में चतुर होकर फिर आत्मा के विचार को परम गति को पाता है। हे गरुण, तुमने जो जमदाय का हाल पूछा था मैं तुमसे अब मैंने कह दिया। जिसको मनुष्य भक्ति से सुनता है वो धर्मराज की सभा में जाता है। इसी के साथ गरुड़ जी का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोले भगवान गरुड़ जी महाराज, जहाँ जिस वेले धर्मराय दा स्थान और उसका वर्णन किया गया, ये चौरस है चौकन्ना है, चार दरवाजे हैं इसके, दक्षिण का मार्ग जो पहले सब कह दिया जो है ना पापी लोग हैं वो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, जिसका पुत्र या पुत्रा कोई ना होवे, संतान ना होवे या कोई भी विघ्न हो जाए तो उसके कारण जो पाप कीते उन्होंने जाते हैं। जिड़े चार दरवाजे जेड़ा पूर्व का स्थान है इस दे विच जेड़े तपस्वी लोग तप करते हैं और इस तपस्या करके विश्वकर्मा ने बनाया है सारा जेड़ा जो भी चारी चार जो भी मकान बनाया जो भी सारा किया गया है वह विश्वकर्मा ने बना। विश्वकर्मा का रूप जेड़ा है ब्रह्मा का रूप है, त्रस का पुत्र है, ते उन्हें नाम क्या विश्व सर्वाध्या रावण है चाचा है ब्राह्मण है। इस करके उसने अपनी तपस्या के नाल इस रूप बनाया। पहला पूर्व का द्वार आता, पूर्व के द्वार के विच जो मनुष्य अपने अच्छे कर्म करता है, माता पिता की सेवा करता, गुरुओं की सेवा करता, अपना भजन कीर्तन करता है, हर वेले सिमरन करता है, तो उसने दरवाजा खुला है। तो इतने जाके परिजात कामना देने वाले वृक्ष हैं, गौ माता खड़ी है और सारा काम धेनु खड़ी है, सारा कुछ खड़ा है, दरवाजे मूंगे के बाग लगे हुआ तो अंदर जाने में रास्ता चलता है। तो उत्थे जाते जे जिन्हें कोई सत्कार करते हैं और कथा करते हैं और मानसिक और शरीरक अपने आप को भगवान के अर्पित कर देंगे तो इस दरवाजे में आए जाते हैं। उत्तर दिशा के मनुष्य जेड़े जाते हैं बड़े ही उत्तर दिशा के जो आरंभ के अर्पण कर देते हैं अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं। इस दे विच चार दिशा दे विच ते आठ दिशा हैगी हमें ईशान कोण और नृत्य अग्नि कोण नृत्य कोण और वायु कोण ये चार दिशा दे विच जमदूत कहते आ जाते। जमदूत कौन है? जमदूत है बीमारियां, अठ अठ बीमारियां रही हैं, अठ अठे चौंह चौंट चलती है, चौंट जोगियां भी कर देते हैं, चौंट बीमारियां भी हैं, चौंट की पैंठ भी है, त्रेट भी है, चौंट ही है वो जमदूत आते हैं। जी बीमारी लोग पूछते हैं कि जमदूत है, जमदूत जी को लेकर कि मर गया वो ऐसा सह नहीं आया, उन्होंने हार्ट अटैक हो गया, पेट का दर्द हो गया, शुरू हो गया, कैंसर हो गया, इस सारी चीज़ें जीडिया अठे बीमारियां ने जमदूत का नाम लिया गया है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ।
धर्मराज जाके देदान बैठे हैं चित्रगुप्त और जमराज ये सारे बैठे हैं तो उन्होंने जाके जेड़े जुलूका की गणना कर दे हैं इस जेड़े पश्चिम द्वार के विचो महापुरुष जाते हैं उसकी सभा कैसी है चित्रगुप्त आते हैं धर्मराज की सभा के हैं महाराजा मनु महाराजा दलीप महाराजा मानधाता महाराजा अंकश महाराजा अदन पृथु ये सारे जितने भी बड़े बड़े ऋषि राजे या ऊपर पहुंचे उठे और ऋषि राम ने विश्वामित्र पितर लोग सारे हिंदू दिशा के बीच बैठे सारे पितर असि पितरा ने संतान है राम कृष्ण असल वंशज है कोई दूसरा वंशज नहीं है ओले वंशज है सारा सूर्य वंशी और चंद्र वंशी दोनों ने बीच एक दिन दे बीच एक रात दे बीच दिन को जन्म राम रात को जन्म कृष्ण इस करके ऐसी सूर्य वंशी और चंद्र वंशी सारे दो ही चीजें चलती हैं तो उसने बीच सवा दे बीच ऋषि गण बैठे या पितर लोग बैठे या सारे बैठे हैं तो उसने धर्मराज जिस वेले महापुरुष आया उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं सारा कुछ हुंदा तो उन्होंने तेज देख के तेज इन्ना तेज हुंदा कि रोशनी करता चले जाता तप दे तेज तेज दे नाल तो उठे खड़े हो जाने कामना ध्वजन मोर रखे कामना जिसने खड़े हो गए निवेदन करते हैं उन्हें पैर धोने आरती करते हैं तिलक करते हैं अपने आसन दे उत्ते बैठा जाते हैं तो उस वेले कामना कहते हैं हे सभा सदो आज थोड़े पुण्य बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऐसे महापुरुष भगवती के दर्शन हो रहे हैं इस करके इस लोग नमस्कार करो इसके दर्शन करो और इस महापुरुष ने सारा कुछ करके तो उसमें जिसने महापुरुष ने दर्शन करके तो कहीं जाके नमस्कार करना ये ब्रह्म लोक में जा रहे हैं मैं इन्हें खुद झगड़ नहीं जाने ब्रह्म लोक के बीच जाके धर्मराज भगवान नारायण ही है वो जाके उसे छिपू सकते इस करके जो चौदहवें अध्याय का सोमांस पंद्रहवां अध्याय के तुम तो कह रहा है गुरु जी पूछते हैं कि ये भगवान धर्मात्मा स्वर्ग की गति को होकर उत्तम कुल में पैदा होता है इसलिए उसकी माता के पेट में जैसे उत्पत्ति होती है ब्रह्म उससे की है एक आत्मानंदी भगवान जैसे सुकृति मनुष्य इस देह से व्यभिचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ उससे कहिए श्री भगवान कहते हैं कि हे करुण तुमने बहुत अच्छा पूछा है तुमसे कौन गुप्त बात कहता हूँ उसके जाने से दुष्ट सर्वग्रह जाता हो जाता है ब्राह्मणों के गुणों से युक्त योगियों की धारणा के स्थान पर शरीर की परमार्थ संबंधी रूप कहता हूँ जिस शरीर में योगी लोग जिस प्रकार खट चक्कर का विचार करके ब्रह्म विभू से चिराम रूप में ध्यान करते हैं वह सुनो सुकृत करने वाले जैसे पवित्र श्रीमानों के घर में पैदा होता है वह विधान और उसके माता पिता के नियम तुमसे कहता हूँ ऋतु काल के समय स्त्रियों को चार दिन तक त्याग देना चाहिए जब तक स्त्री के शरीर में पाप रहता है इंद्र के दी हुई धर्म हत्या रहती है तब तक उसका मुंह नहीं दिखना चाहिए ऋतु वाली स्त्री चौथे दिन वस्त्र से स्नान करके शुद्ध होती है सात दिन वह पितरों और देवताओं की पूजा करके करने के योग होती है सात दिन के भीतर जो गर्भ रहता है वह मानवी होता है अधिकतर आठ दिन के भीतर पुत्र होते हैं जो अल्प आयु होते हैं सात रात्रियों में गर्भ धारण होने से पुत्र और बीस रात्रियों में कन्या पैदा होती है पहले सात दिन छोड़कर जुड़ रात्रियों में गर्भ धारण करना चाहिए स्त्रियों के ऋतु की सोलह रात्रियां सामान्य कही गई है चौथी रात्रि होती है उसमें जो गर्भ रहता है उसको पुत्र पैदा होता है वह गुणवान भाग्यवान और धार्मिक होता है वह चौथी रात्रि साधारण जीवों को कभी नहीं मिलती पांचवें दिन स्त्रियों को मीठा भोजन कराना चाहिए तथा कड़वा ही तेज और गर्म भोजन से दूर से ही त्याग देना चाहिए वह गर्भनाशी रूप में औषधि का पात्र है और भी अमृत का घर है उसमें स्वामी पुष्प भी बनकर अच्छा फल पाता है पुष्प आम खाकर फूल फल
और चंदन धारण करके शुभ वस्त्र पहनकर मन में विचार धार्मिक विचार लेकर उत्तम से बचाए प्रसन्न समय मनुष्य के चित्त में जैसी कामना होती है उसी स्वभाव का जीव को प्रवेश करता है। बीज रूप से जीव सदा स्थित रहता है। काम चित्त और विगत ये सब एक होते हैं। जब स्त्री के गर्भ में मनुष्य को प्राप्त होता है विगत और रथ के संयोग से पेट की उत्पत्ति होती है। घर में जब नाम देने वाला सूर्य पुत्र होता है तब भी उसकी पुष्प आदि की सब क्रिया होती है। उन आत्मा आत्मा का जन्म उच्च के ग्रहों में होता है। उनके जन्म के समय में ब्राह्मण बहुत सा धन पाते हैं। विद्या और विनय से युक्त वो पिता के घर में पाल पड़ता है। अब संसों के सब सब कामों में चतुर होता है। पहले किए हुए तप के फल का उदय होने से प्रथम अवस्था में उत्तम स्त्री आदि से भोग करने वाला दान देने वाला धनवान होता है। तब पश्चात वह नित आत्मा और अनात्मा के विचार में जतन करता है। जरा वो उपाय और भ्रम का चिंतन करता है। अन्य करने वाला वह भ्रम के संग का भोग करने के लिए अर्थात संग्रहित यह जानने के लिए पृथ्वी और अनंत काल में पांच भूतों के गुणों से कौन से कहता हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच स्थूल रूप से कहे गए हैं। इन्हीं पांच भौतिक तत्वों से बना है। एक गरुड़ त्वचा खाल हड्डी नाड़ी बाल और मांस ये पांच गुण भूमि में मैंने तुमसे कहे हैं। लाल मूत्र भीड़ वजा और रक्त ये पांच गुण जल पे कहे गए हैं। अब तेज के गुण सुनो। एक गरुड़ भूख प्यास आलस नींद और कांति ये पांच तेज के गुण योगियों ने कहे हैं। सुकड़ना धोकना लांगना फैलना और चेष्टा करना ये पांच कुछ वायु पे कहे गए हैं। श्रवण चेता शून्यता मोह और संदेह ये पांच गुण तुम्हें आकाश में जानना चाहिए। मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये चार गुण अंतकरण के पूर्व कर्मों की वासना से युक्त कहे गए हैं। क्वान कान त्वचा नेत्र जीव और नासिका ये पांच ज्ञान इंद्रियां कही गई है। वाणी हाथ पैर और गुदा लिंग के पांच कर्म इंद्रियां कही गई है। दिशा वायु और सूर्य प्रचेता अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र और मित्र ज्ञान इंद्र कर्म इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। ईरा पिंगला शुक्ना गंधारी दस जीवा पूषा जसनी अल्पथा कहू और शंखनी पेड़ में स्थित ये दस नाड़ियां प्रधान कही गई है। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुल कुल देवदत्त और धन ये शरीर दस वायु कही गई है। हृदय में प्राण उदा में अपान नाभि में समान कंठ में उदान और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु रहता है। विकार आने से नाग उमिल लेने से कुल सुधा में कुल और जवाई लेने से देवदत्त जानना चाहिए। जब शरीर में रहने वाला धन या वायु से गुजरने पर भी शरीर को नहीं छोड़ता है घात रस में खाया हुआ अन्य सब प्राणी को पुष्टि देने वाला है। विहान वायु भोजन के साथ अंश को सब प्राणियों में पहुंचाता है। खाए हुए आहार का वायु दो भाग कर देता है। वह वायु उदा में प्रवेश करके अन्न और जल को अलग अलग करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अग्नि को कर देता है। प्राण वायु अग्नि के नीचे स्थिर होकर धीरे धीरे अग्नि को धोता है। वायु से धोता हुआ अग्नि कीट और रस से अलग अलग कर देता है। प्राण वायु रस को सब शरीर में पहुंचाकर बारह द्वारों से कीट को बाहर निकाल देता है। कान आंख और नाक जीभ दांत नक गुदा और लिंग शरीर ये बाल ये सब मन के स्थान कहे गए हैं। इन्हीं के द्वारा मन बाहर निकलता है। इसी प्रकार अपने अपने काम में सब वायु लगे रहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश पाकर मनुष्य अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हे गरुड़ वह आप मनुष्य की देह को दो रूपों को सुनो। एक व्यवहारिक रूप होता है और दूसरा परमात्म संबंधी होता है। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोए 7 लाख बाल और 20 नख हैं। एक पिता के पुत्र गरुड़ सामान्य रूप से 32 दांत कहे गए हैं। 1000 पल मांस और 100 पल रक्त कहा गया है। 10 पल वेद और 27 पल त्वचा 12 पल मजा और 3 पल महारक्त है। 2 करोड़ शुक्र और 1 करोड़ सोने और 360 हड्डियां शरीर में कही गई हैं। स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों में करोड़ों कही गई हैं।
50 पद पे उसमें आधा 25 पद शिवलिंग है इसमें उत्तम होने वाले विस्तार और मुद्र के प्रमाण होते हैं इन गुणों से युक्त व्यवहारिक शरीर होता है परमार्थिक शरीर में ये सब ब्रह्म पर्वत दीप समूह और सूर्य आदि होते हैं परमार्थिक शरीर में 6 चक्र होते हैं ब्रह्मांड में जो गुण होते हैं वो इसी शरीर में स्थिर रहते हैं उन योगियों की धारणा के स्थान भूत गुणों से दूसरे को होगा उसकी भावना से मनुष्य भ्राट रूप को जानने वाला होता है भ्राट रूप के पैरों के नीचे तल पैरों के ऊपर भीतल घुटनों में सूतल और सख्त प्रदेश में महातल जानना चाहिए सख्त प्रदेश में मूल में तलातल गुदा देश में उसके रसतल और कटी प्रदेश में थकाल है इस प्रकार 7 लोग कहे गए हैं नाभि के मध्य में भूलोक उसके ऊपर भूतल हृदय में स्वर्ग और कंठ में भवलोक मुख को जललोक मस्तक को तपोलोक भवन है त्रिकोण में वेणु पर्वत अंतकोण में मंदरागल दक्षिण कोण में कैलाश वाम कोण में हिमाचल उर्व रेखा में निष्ठ पर्वत दक्षिण रेखा में घन पादन और वाम रेखा में रमन चल है ये 7 कोण पर्वत है हड्डियों के स्थान में जम्मू दीप वजा में शराब दीप मांस में कुश दीप शिरियों में कोश दीप त्वचा में शल दीप रोम समूह और गोद और नखों में पुष्प दीप जाना चाहिए इसके पश्चात ये समुद्र है मूत्र में खारी समुद्र दूध में शीत सागर और मदरा का सागर मजा में वृत्त का सागर रस में रस का समुद्र और शौर्य में दलित सागर जानना चाहिए हे गरुण कंठ के भीतर स्वादिष्ट जल का समुद्र जानना चाहिए नाभ चक्र में सूर्य बिंदु चक्र में चंद्रमा नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध कहा गया है विष्णु स्थान में बृहस्पति वीरज में शुक्र नाभि स्थान में शनि और मुख में राहु स्थित है वायु के स्थान में केतु स्थित है इस प्रकार शरीर में ग्रह मंडल जानना चाहिए इसमें पूर्वक स्वरूप को अपने शरीर का चिंतन करना चाहिए सुबह प्रातः काल में पद्मासन लगाकर बैठे और कहे कि जपा के काल और खट चक्र का चिंतन करें मुनियों को मोक्ष देने वाली गायत्री का नाम अजंत है इसके संकल्प मात्र से प्राणी सब पापों से छूट जाता है हे गुरु मैं आज कर्म का कहता हूँ सुनो उस कर्म को करके जीव सदा के लिए जीव भाव से छूट जाता है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध और आज्ञा के खट चक्र कहा गया है मूलाधार में लिंग स्थान में नाभि में हृदय और कंठ में मोह के मध्य उपरांत कर्म 6 चक्रों को चिंतन करें वा शा ठा सा इन वर्णों को आज से अग्नि के समान 4 दल वाले मूलाधार चक्र होता है भा भा या रा मा ला इन 6 पात्रों वाले को सूर्य के समान तजोरी स्वर्ग चक्र कहा गया है धा धा ना फा धा ना फा इन 10 दल वालों का लाल वर्ण मूल कहा गया है का धा 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 इन 12 पात्रों वालों को स्वर्ग के समान अनाहित चक्र कहा गया है इन 16 सबूत पात्रों वाले चंद्रमा की ज्योति के समान प्रशुद्ध चक्र होता है अब 2 अक्षर हैं हा और सा इन 2 अक्षरों का रूप वाला रक्तमन कमल के समान आज्ञा चक्र होता है इसके ऊपर प्रकाश में हिला बंद वाला कमल है जो सत्य आनंद रही सदा कल्याण रूपी ज्योति रूपी और शाश्वत है कर्म के इन 7 चक्रों में गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव जीव बृहस्पति सब व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करें भगवान विद्वानों ने रात्रि दिन में 21,600 श्वास की सूक्ष्म गति कही है हकार के श्वास बाहर आते हैं उस सकार के कुम भीतर जाते हैं इस प्रकार जीव तंत्र हसो हसो हस सोहम इस मंत्र का जाप करता रहता है गणेश जी के लिए 600 ब्रह्मा के लिए 6,000 हरि के लिए 6,000 और 6,000 जीव आत्मा के लिए 1,000 गुरु के लिए 1,000 चित आत्मा के लिए भी 1,000 तत्वों की संख्या निवेदन करें आत्म प्रभाव जानने वाले अनुराग की मुनि लोग इन चक्रों में ब्रह्मा की अनंत किरणों का चिंतन करें सुखदेव आदि मुनि लोग
शिष्य को यही उपदेश देते हैं इस बड़ों की प्रवृत्ति जानकर बुद्धिमान सदा ध्यान करें एकाग्र मन होकर सब चक्रों की मानसिक पूजा करें फिर गुरु के उपदेश से रात्रि का जप करें नीचे को मुख वाले हिजाब दल के कमल और मध्य कमल पर हाथ लिए हुए हंस पर सवार श्रेष्ठ श्री गुरु का ध्यान करें उन गुरु के चरणों उनकी धार से धोई हुई देखो पक्ष को आकार कर पूजकर उनका चिंतन करें उन स्तोत्रों को प्रणाम करें छह चक्रों में संचार करने वाले सारे तीन वेदों के स्थित कुंडलानी करोड़ अवोर का काम का ध्यान से करें इनके पश्चात ब्रह्म के बाहर और शुक्र नाम का ध्यान करें इस मार्ग से गए हुए जीव विष्णु जी की परम पद को प्राप्त होते हैं फिर स्वयं प्रकाश रूपी स्नात रूपी और अनंत में चिंतन करें और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन में निश्चय हो जाता है केवल अपने प्रपंच से नहीं बिना गुरु के उपदेश के पतन तो हो जाता है जोग से चलायमान तो हो जाता है इस प्रकार से अंतर ज्ञान का साधन करके बहुत जग करें स्नान और संध्या करके भगवान विष्णु शिव शंकर का पूजन करें देहा भावियों से अंतर मुक्ति वृद्धि नहीं होती इसलिए उनको मेरी भक्ति सहज और मोक्ष दायी होती है तथा तप और जोग आदि मोक्ष से मार्ग है तथा स्नान है संसारी मनुष्यों के लिए मेरी भक्ति मार्ग ही उत्तम है ब्रह्मा आदि सर्वों ने वेद शास्त्र का बार बार विचार करके यही भक्ति का मार्ग निश्चय किया है जग आदि उत्तम धर्म से चित्त हो शुद्ध करने वाले हो मेरी भक्ति फल रूपा है इस प्रकार फिर दुखी नहीं होता है हे गरुड़ इस प्रकार जो सुखी मनुष्य अचरण करता है मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष को पाता है इसी के साथ गरुड़ जी का पंद्रहवां अध्याय समाप्त हुआ बोले भगवान गरुड़ जी महाराज की जय पंद्रहवां अध्याय बहुत गंभीर है इसमें समझेंगे समझाएंगे कुछ जीव का चार रूप होंगे अंडर द्वैगर उद्भव विराज हम सब ये अंडर थे इस करके शरीर जो पिंड सो ब्रह्मण है जो पिंड का नक्शा है सो ब्रह्मण का नक्शा है इन करलों की कहनी है इन पिंड के नाल मिल लो इथों लैके इथे तक तीन बार तीन हाथ हाथ मिलाया उसके ऊपर जाके तीन ऊपर जाते चौथा जाके मिला इस करके तीन हाथ चल के तीन अंगुला रख के फिर इस रूप में चल दिया तो तीन जाके एक रोकी मात है इस दे विच शरीर दे विच सारे देवतियां का वास है ये नहीं कह कर ले रहा है इस दे विच चिंतन कर लिया जिन्ना चिर किसी महापुरुष ने जाके संगत दे भी जाके पता लगता है तो उस वक्त संतान का कहा गया कि जिस जिससे माता पिता ने अच्छे गुण अच्छी प्रकृति अच्छी सोच अच्छा विचार पैदा करने लिए आपने पुत्र का संतान का उपजाऊ कर सकता है उसने आप बच्चे का चारे कुलों के सारे पास जय जयकार होती है क्योंकि जन्म तो लैके दसवें महीने तक जाने के बीज करने पर एक महीने तो लैके साढ़े दसवें महीने तक उसके जैसे संस्कार माता पिता के होंगे अच्छी पानी बोलेंगे अच्छा धार्मिक ख्याल करेंगे अच्छा पढ़ेंगे अच्छे गुण करेंगे अच्छी सोभ करेंगे उस तरह के बच्चे का पैदा होता है वो बच्चे ने आत्मा और अनात्मा दोनों का वर्णन करता है एक समुद्र भी आ खारी क्या सारा कुछ आ इनसे 30 करोड़ रोम कहे गए हैं 7 लाख बार कहे गए हैं 10 कर्म इंद्रिया पंच कर्म इंद्रिया पंच ज्ञान इंद्रिया 10 कहे गए इंद्रिया के रूप और प्राण बाजू इस तरह 10 कहे गए हैं प्राण बाजू के नाल चल रहा उसके बीच इस तरह वायु किन्ने प्रकार की है हाँ जिसमें चलता है श्वास चलते हैं अगनाड़ा के प्राण निकल जाती है ना अंक उद्धन फस देते हैं
कहीं जंपा ना कहीं मार्जन ना कहीं जंपा ना कहीं मार्जन ना इस तरह थली रखे यूपे रखे इस तरह के नाम रहते दबस्ता के बीच में चलता है तो उस तरह का वाली कर दे उस दिन बीच जाके इंसान के बीच सारा कुछ लस्से देना है अखीर ही जाके कह दिया कि आओ भाई चली गए ये कर दे तो वहां आके बड़े बुजुर्ग कह दे लटपट पंची चतुर सिद्धांत सब का दाता श्री भगवान कह दे सुनिया पता नहीं वो लौट के आने वाले पंची वो लौट के आने वाले पंची तू माता के पेट में क्या कह रहा था जब मैं आऊंगा परमार्थ करूंगा चिंतन करूंगा भगवान का सिमरन करूंगा जो भी काम होगा अच्छे काम करके मैं आप ले जाना मेरे से समर्पण करूंगा वो लौट के आने वाले पंछी लटपट पंछी चतुर सिद्धांत सबका दाता सिंह दुर्गा जिसने बाहर निकलना तब माया आके घेर लग दिया माया की कर दिया हाँ जिसने बच्चा पैदा होता तब बच्चा जब तक रोंदा नहीं मां बाप से मुंह खुले होंगे जब बच्चे ने रोना शुरू किया तो उस वक्त बैलों की खुशियां का समागम चल पाया बधाइयां बधाइयां हो गई तो जिसने जन्म लिया आके कोई कपड़ा नहीं कोई वस्त्र नहीं कोई है नहीं खाली आया उसे उसने देख के सारे कह रहे हैं कि बच्चा पैदा हुआ ठंड ना लग जाए नजर ना लग जाए पाए के कपड़े पा लिया कपड़े से लपेट लेंगे जिस लपेट का उसने भजन किन्ना होगा ढाई तीन किलो किन्ना होगा ढाई तीन किलो भजन होगा जिस वेले आदि जानता है तो उस वेले सारे कपड़े ला देंगे नंगा काट देंगे और फिर कहेंगे लोग कहेंगे समाज कहेंगे कि पागल है ये डॉक्टर दे कपड़े शाम अपने आप में काटे तो उस मुझे कपड़े पाए जिस लड़की ने बीच दाह होगा सारा कुछ रहेगा जिस वे अकीरी को ये हड्डियां गंदे चक दे या कभी दो ढाई किलो होगी या पता नहीं होगी जिस वे जमदा दो ढाई किलो का जिस वे मरदा कभी दो ढाई किलो का वो कहते हैं फाल तो नहीं लेने जिन्ना भूता उन्हें तो उधर बीच जाके चिंतन करने गला पैंती अक्षरा सारे किसी भी अंग्रेजी चले लो उर्दू चले लो पंजाबी चले लो हिंदी चले लो पैंती अक्षरा भी मारा है सत्तु पंजाब पैंती सात दिन दे बेच सात सोलह दे बेच सात दिन ग्यारह पंद्रह का व्यंजन है सोलह मात्रा है इसलिए भी चाहते बचा देश वो जिस वे चल के आते हैं तो सारा कुछ चिंतन कराने लिए उस वक्त ते ओ पढ़ा ओ कहले पढ़ोगे जिस वे पढ़ दिए उस वे आप जिस वे बच्चे पाने हैं का खा गा 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 छा यही पढ़ाने हाल पे पैसे ए बी सी यही चीज चलती है पैंती पैंती साल क्यों पैंती बनाए हैं पैंती यानी तू याद कर अल्लाह बाणी का ध्यान रखी उस मालक की जी आवाज आओ ध्यान रखी ये बिचला तो उस जानते जानते कहते हैं उस वे पढ़ते फिर वो कहते की है ये इन्हों ने प्रधानता नारियों में है अखीर ही पांच जाग का मह जाएंगे पांच जाग का रोटी जिसके खाने से पांच है वो तो पाक काम लेना चाहिए एक पहला मेरे का प्राण आया सोहा मेरी ने नहीं जिन्हें मेरी प्राण बाजू है इंग्लिश अपना है सुहा जो टट्टी पेशाब कर लिया नहीं वो भी बाजू नहीं है उदाहरण है सुहा कंठ नहीं है ध्यान है सुहा अंदर ये ढिकाना अंतर नहीं है स्वाद है सुहा ये जी नाम है सुहा ये पांच एक जगह कह दिया जिस वे महापुरुष को रोटी खा दिया तो उस वे अपना भोजन समझ के नहीं खा दे वो समझ दे पहले तृप्ति मिले इन्हें बाजुआ जिसकी पुष्टि करके शरीर चला ये पुष्टि कारक है तो इस करके पांच चीजा चलिया ये आके फिर
وہاں کچھ کہہ لیا تیان تاکا پہلا لا اتلام نے تھلے لگوٹ پاکے گئے دیا اس نے بیٹھے منی چکر کہہ دیا ایتھے دوسرا چکر کہہ دیا تیسرا ایتھے آنا پھر ایتھے چلے جانا کام دستازہ میں چکے تب لوگ چلنا پہ جا کے سب لوگ نے بیٹھ پرمیش کر یہ کھر چکر کا بچار کہہ دیا کھر چکر دے بیٹھے کیا چاہتا ہے تو اس دستے میں کام نے نہیں گرو کی پشتی پر تو اس میں کیا آیا اکتا گایتری مانتر بیدوں کی گزر بھیتا ہے ایک گایتری مانتر جیڑا بھگوان نے آپ نے سویم دیتا ہے وہ کی ہے ہا اور سا ہا اور سا دو شبد ہے ہا دے نال باہر آنا سا دے نال اندر جانا ہا پہلا آنا پھر سا آنا اس کا بھیڑ بھی ہے کیونکہ بعد میں کہ ان مرا شبد گان دیا مرا نے ان ہا اور سا کا گیان دیتا گیا تھا ہا سا کے سوہم شبد بن گیا تھا کہنے ہا سا سمرن کا وہ کہنا انٹا نام جپت جگ جانا بال نیک و برم سے تو اس وقت مان کی بدھی ہنکار کے نال جو بھی کر دیتا گیا تو اس دن آ جاتے تو اس ویلے مہا پرش کہہ دیا کہ بھائی چلو بیٹھو دھیان دے ہا سا سا ہا سا کیا ہے ہا باہر سا اندر ایرا جس میں ہنس لے چاہے انجھے سارے ہنس لے کہ ہا اور سا وہ مجھے تیز گتی ہو دیا ہا سا 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 جو تو ہے سو میں ہوں جو میں ہے سب تو بس اتنا ہی اس کا فکر سب جا کے سب تم لوگوں میں جا کے دھیان مل گیا سب لوگوں کے بیچ میں جا کے پوچھ رہا ہے کہ تو کون ہے تو کون ہے وہ تو نہیں کہتے کہ بھلانا ہے نہ جم دین پتا نہ مار دین پتا جم دین بھی اسی باغدانے ہیں اچھی بری صحبت دینے ہیں کہ تو کون ہے تو فلانے کو لبتا تیرا باپ آ تیرا ماں آیا تیرا چاچا آیا تایا سارا ہم سب بہت رکھتے ہیں اس نے اپنے پریوار کیا اور یہ سارا کچھ دھیان دیں گے جس نے مرتا ہے تو کہہ دے اس نے میں کون آیا تو ان کو بتائیں گا تو کون ہے کہیں گے تو اس نے خوب پڑھے تو یہ گیان دنیا کارن دنیا لوگ ہو گئے ہر چلنے بند ہو جاتے ہیں بھگوان کا سوچ جڑا سارا ہم دیتا گیا ہے تو انہوں نے بھی سارا کچھ کیتا ہے سات اس لیے سمرن کرو سمرن دے وچ سمرن کرنے دے وچ رام رام کرو چاہے بھائی کو کرو چاہے سنت نام کرو چاہے کچھ بھی کرو کرو سے ایک چیز کوئی نہیں ہے پرماتما دے نام ہے ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਹੋ ਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਨੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਢਾਉਣਾ ਉਸ ਨੇ ਕਢਾਉਣਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕਿਆ ਹੈ وہ منتر کچھ نہیں ہے وہ تپسیا کراؤ پہلا ہوتے پہلا ہوتے ہوتے نگر بھاک کرو اور سنے ہو جتا پہلی کلاہ میں جاندہ بچہ سارے پر کار دیا کٹاپا چکرن دا بہتا ہے کٹاپا چکرن دا کہ میں چلے سکون دے مجھ سیاہی نبی لبڑے اندہ سارا کچھ کائی پاری جاندہ سارا کچھ سری جاندہ اور بچے کی کپاکے کیا ہے وہ کہنے بڑے ہیں پھر
جس دن ہوش آندی ہے پانچویں چھویں کلاس ہو جاتا تو پھر اس کو پتا لگتا کہ میں اپنی ضرورت کے مطابق کرتا ہوں اس کے مطابق میں چاہتا بڑا سکون کا جس طرح سے کہاں چلے جاتا دسویں کے بچ چلے جاتا پھر اپنا کوئی نہ کوئی تھوڑا چلنا سن کے آئی نہ ہو کے ہمیں کر کے سارا کچھ کرتا بی ایچ جا کے سی کی کاپی لے جاتا ایم اے جا کے مجبوری لے کے جانا وہ سیدھے سن کے گھر تو جو مہاپرش وہ ایم اے کی پڑھائی ہے جڑے پڑھ کے جانے ایم اے کی پڑھائی کر کے وہ صرف اپنے ذہن کے بچ اپنے دماغ کے بچ سیٹ کر لیں گے تو اس کا سارا کرنا اسی طرح مہاپرش جڑے آ وہ جڑے ڈگری لی انہوں نے پی ایچ ڈی کی وہ جس میں سامنے گیان دیں سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ سارے دماغ کو فٹ کر دیں کہ تو آئی تیرے سمرن سمرن کرنے کے نال ہی انسان کی سب کچھ کرنا چاہتی ہے اس کرتے آج کا جائے گا سپندرنا کام تو بہت اوکھا ہے پر ہے سمجھانے دن پر سننے والا یہ نہ آ جائے پھر دیر کو یہ دیکھا کہ ॐ वंशी विभूषित नवीरदारा पीताम्बरा चरणबला धरिष्ठा पूर्णिन्दुसुन्दर गर्विन्द निर्भरां कृष्णात् परं किमपि कर्तुं न जाने न जाने श्रीकंवर देतल कटि पीताम्बर अदर मुरलि गिर करम मुकट कुंडल कहल पिया साबर राधे तुल जमुना भेरु आगे सकल गोपियन मन हरन एकवासर करु अवान चरण सुख प्रसार करत केल कहो मन सगन कुंज भवन उजागरन अजर अमर गोल निश्चल दीनानाथ प्यार गिरधर कंस हनुमान सोच हन गणकुल वाम विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव वंशी वर वसुदेव शैया वंशल श्री मामन जग दूपते बदलाप दीना लंका शिरोमणि सत्यदीपन खंड चोना भवन किन्हे पदम द्रौपदी की राजमा की कहानो उपमा करम दीनानाथ दयाल पूरन करुणा मैं करुणा करम रविरत्न दास विलास निश्चित नाम जप नित नायन प्रथम गुरु के चरण वंदो जस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री राम वाच काच परमल सिंह वाहि रघुपति पावन मधुर मृगेश राय विराजे गोविंद पालन कंदही श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद की धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री पति अवतरे धन्य जमुना नीरज मन लाल लाल सखावले नवदी नागर कर निरंतर शिव भरन जीवन मोहितम मलिंदी तट करत क्रीड़ा वाले अधुर सुकरम वाल वाल
ਨਾਲ ਸਭ ਸਖਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸੰਗ ਰਾਧੇ ਭਾਵਨੀ ਮਨੁਜੀ ਵਦ ਤਨ ਵਿਗਟ ਜੰਮਾ ਮੋਲੇ ਮੇਰ ਸੁਆਵਨੀ ਸ਼ਰਨ ਵੰਚ ਉਤਮ ਪਰਮ ਰਾਜ ਗੁਮਾਰਤੀ ਸੀਤਾ ਵੇ ਪਤੀ ਬਲ ਕਰਨ ਕੇ ਗਤੀ ਜਗਤ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਬਨਕ ਰਾਖੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਨ ਜਵਾਬਹੀ ਸਭੀ ਸੀਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਾਮਹੀ ਜਨਮ ਮਧੁਰਾ ਕੇਰ ਗੋਕੁਲ ਨੰਦ ਕੇ ਹਰਿ ਨੰਦਨਮ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪਥਿ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਕੀ ਵਸੁਦੇਵ ਤੁਮ ਯੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਲਿਲ ਮਨ ਹਰਿ ਜਾਕੇ ਜੋ ਭਜੇ ਹਰਿ ਚਰਨ ਕੋ ਭਕਤਿ ਅਗਨੀ ਦੇ ਮਾਨਵ ਮਨ ਸਾਗਰ ਕੇ ਕਰਵ ਕੋ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੋਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਸ਼ੰਕਰਮ ਦਵਾਰਕਾ ਕੇ ਨਾਥ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤਿ ਕੇਸ਼ ਪਾਵੇ ਅੰਬੁਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਤ ਪਦ ਵਰਕ ਵਿਸੁਰਿਨ ਵਿਸ਼ਨੁ ਲੋਕ ਸੁਪੱਚਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਆਨੰਦ ਅਵਤਾਰ ਸਵਾਮੀ ਕਵੀ ਦਾ ਦਾਸ ਸੁਆਗਤਮ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਹਿ ਰੂਪੋ ਸਹਾਰੀ ਜਕਾਰਹੀ ਏ ਮਸੂਨਾ ਦੇ ਬਨਸਤੀ ਬਾਗ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।